नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान में एक बार फिर आयकर विभाग ने बड़ी कार्यवाही की। आयकर विभाग ने प्रदेश में कई व्यापारियों के घरों व संस्थान पर एक साथ छापा मारा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग की टीम मंगलवार तड़के जोधपुर भी पहुंची और शास्त्री नगर स्थित एक व्यापारी के घर पर रेड मारी। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने मंगलवार को प्रदेश भर में 16 ठिकानों पर एक साथ आयकर विभाग ने छापेमारी की। पाली और जोधपुर से जुड़े कारोबारी समूहों पर कार्यवाही हो रही है। 3 कारोबारी समूह पर आयकर इन्वेस्टिगेशन की रेड हुआ है। राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट के लिए 12 दिसंबर से नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। वहीं इस दिन अधिसूचना भी जारी होगी। साथ ही 5 जनवरी को मतदान और 8 जनवरी को चुनाव के परिणाम आएंगे। दरअसल करणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह के निधन के चलते यहां चुनाव प्रक्रिया स्थगित हो गई थी। हालांकि अब निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव करवाने के लिए 12 दिसंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना के साथ ही नामांकन पत्र जमा कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेरी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। मर्डर केस की जांच में जुटी पुलिस ने इस मामले में एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार छात्रा एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने छात्रा की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेरी की बीते दिनों जयपुर में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर भीलवाड़ा जिले में करणी सेना के बैनर तले स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गोगा मेरी की हत्या के बाद अब राजस्थान में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। इसे देखते हुए अब अशोक गहलोत की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद गहलोत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एडीजी इंटेलिजेंस ने उन्हें सुरक्षा दी है। वहीं हम आपको बता दें, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेरी की हत्या के दोनों आरोपी नितिन फौजी रोहित के साथ उनके तीसरे साथी उधम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले को लेकर लगातार खुलासा हो रहा है। सरदार शहर में सरकार की ओर से बनाए गए नए ऐप में गिरदावरी नहीं निकल रही है। गिरदावरी के अभाव में किसान अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं। जब तक गिरदावरी नहीं मिलेगी तब तक पंजीयन नहीं होगा। जब तक पंजीयन नहीं होगा तब तक खरीद केंद्र शुरू नहीं होगा। गिरदावरी के लिए किसान अपने खाते से ई मित्र और मंडी के बीच फुटबॉल बना हुआ है। जयपुर पुलिस ने करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेरी की हत्या के सिलसिले में भोडंसी जेल से तीनों कैदियों को पेशी वारंट पर अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तीनों कैदी संदीप उर्फ सुमित, भवानी सिंह उर्फ रोनी और राहुल लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य हैं, जो गोगा मेरी की हत्या के प्रमुख शूटर नितिन फौजी के संपर्क में थे। सीकर राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सीकर डिपो में कर्मचारियों ने राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों के निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लेकिन 3 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक निगम व सरकार ने समझौते पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा प्रदेश भर के हजारों रोडवेज कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान के जयपुर में पिछले 15 दिनों से अधिक समय से वंदे भारत ट्रेन का एक ट्रैक ढहर का बालाजी रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ है। लेकिन रेलवे प्रशासन इस वंदे भारत ट्रेन को संचालित करने के लिए अभी रूट नहीं ढूंढ पा रहा। ट्रेन को अहमदाबाद या इंदौर रूट पर चलाए जाने की योजना है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं हो सका है। राजस्थान में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है। इसी बीच तापमान में गिरावट का सिलसिला भी जारी है।
जहां एक और माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया तो वहीं दूसरी तरफ अन्य कई शहरों में 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। प्रदेश में अब आज से तापमान में गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। 1 से 2 डिग्री तक तापमान गिरता हुआ नजर आएगा। हालांकि प्रदेश में बारिश और तूफान को लेकर कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। वहीं जयपुर में बीती रात ठंड बढ़ गई, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने से मौसम सामान्य बना हुआ था। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 4 से 5 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।